हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का 11th चैप्टर जो है पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी एक्सरसाइज 11.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, 11.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट सम देखो। एस्टीमेट से हमने ये फिगर्स जो दी हुई हैं उनके स्क्वायर जो हैं, यूनिट स्क्वायर वो काउंट करने हैं और एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, इसमें इनको आप काउंट करोगे सभी स्क्वायर को, ठीक है, जो बॉक्सेस बीच में बने हुए ये वाले 1 यूनिट के इक्वल है एक, तो इसमें टोटल 135 है। आप काउंट करोगे साथ साथ बुक लेके तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो 135 स्क्वायर यूनिट फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट सेकंड जो है वो काउंट करोगे सभी जो बॉक्स में बने हुए हैं स्क्वायर, 1 जो है 1 यूनिट, ठीक है, और टोटल ये है 144 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, ये आ गया इनका एरिया। तो इनमें हमने स्क्वायर काउंट करने होते हैं। नाउ ये फॉर्मूले देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ये स्टूडेंट ट्रायंगल में ये बेस और ये हाइट। नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये इसकी हाइट और ये बेस। क्लियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं आपने, तभी आपको जो एक्सरसाइज है वो इजी लगेगी। नाउ सेकंड सम, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमें फाइंड आउट करना है। ये हो गया इसका हाइट और ये बेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है वो याद करना है आपने, ठीक है, फिर आपको इजी लगेगा। नाउ हाइट और बेस इसका लिख लोगे पहले। हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और बेस जो है वो कितना है, 15। बहुत इजी सम है स्टूडेंट, अच्छे से प्रैक्टिस करो साथ साथ, आपको बहुत इजी लगेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस के प्लेस पे क्या आएगा, 15, और हाइट के प्लेस पे 8। नाउ कटिंग हो रही है 2 के टेबल में 8 की, यस 4 पे, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया 60, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी है ना, सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई करना था। नाउ इस तरह से आप इसको लिख लोगे, ठीक है। सेकंड जो है, यहाँ पे ट्रायंगल आपने फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो एरिया ट्रायंगल सी और डी का फाइंड आउट करना है हमने। यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स बन रही है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, तो ये स्क्वायर जो है उसका 1/4 हो गया ट्रायंगल, है ना, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो एरिया स्क्वायर का कितना होता है, साइड इनटू साइड, साइड साइड मीन 6 इंटू 6, 36, 4 के टेबल में 36 कट के 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। नेक्स्ट थर्ड में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हाइट, ठीक है, और ये बेस। नाउ इसको लिख लोगे इस तरह से, हाइट बेस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और हाइट 6, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हाइट और ये बेस दिया हुआ है, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट दोनों को मल्टीप्लाई, रफ में सामने मल्टीप्लाई करके देखो और पॉइंट अच्छे से लगाओ, 54.60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। नाउ वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पैरेललोग्राम की 2 हाइट्स दी हुई है, एक बेस दिया हुआ है, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया तो दोनों के सेम ही होंगे ना, तो इसलिए ये पहले फर्स्ट, ठीक है, बेस इनटू हाइट, और उसको सेकंड जो 7 हाइट और एक्स बेस है उसके इक्वल, क्योंकि सेम ही फिगर है तो एरिया दोनों का इक्वल ही होगा। दोनों को इक्वल कर दिया, वहां से 7 आके इधर डिवाइड हो गया, ये पॉइंट हट के नीचे 10, 7 के टेबल में 8 पे 56 और 8 9 72, 7.2 आ गया आंसर। नेक्स्ट सेम ऐसे ही सेकंड है, यहाँ पे हाइट हमने एक की फाइंड आउट करनी है, एक बेस की हाइट दी हुई है, ठीक है। इसी तरह से पहले एरिया ये वाली 15 और 8 6 का, ठीक है, दूसरी तरफ 9 और एक्स का, दोनों के एरिया इक्वल कर देंगे, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 9 डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ। देखो सॉल्व द इक्वेशन सभी में काम आती है ना, सॉल्व द इक्वेशन आपने जरूर सीखनी है।
तो ये 9 जो है कितना आ गया कट के 90 10, x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि फर्स्ट पैरेललोग्राम जो है इसमें बेस हाइट 15 6 और दूसरे में x और 9 है तो इक्वल कर लिया। नेक्स्ट फिफ्थ सम देखो, द एडजेसेंट साइड दी हुई है आपको, अल्टीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम का आपने फाइंड आउट करना है। लॉन्गर साइड का दिया हुआ है, ये याद रखना आपने, ठीक है। लॉन्गर साइड है 45, तो उसी को आपने बेस लेना है, ठीक है। इस सामने जरा ध्यान रखना, आपने 28 भी दिया हुआ है बेस साइड और 45, लेकिन उसने लॉन्गर साइड का 18, ठीक है, एल्टीट्यूड बोल रहा है, तो हम यहाँ पे बेस 45 और हाइट 18 जो है वो लेंगे, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 810 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर, साथ साथ कॉपी पेन लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम लेके आएंगे, तब तक आप ये 5 सम जो है अच्छे से इनको प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। तो स्टूडेंट, देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।